इस चीज को नहीं सीखा तो मेरा कोई गलती नहीं, क्योंकि सीख लेंगे तो आपके काम आएगा, क्योंकि ऐसा कभी किसी ने बताया भी नहीं है और नहीं बताना चाहेगा कोई। तो हम इसलिए हमेशा नए से नए वीडियो लेकर आते हैं। एक ऐसी प्रॉब्लम जिस प्रॉब्लम को आप सालों साल से ढूंढ भी रहे होंगे पर प्रॉब्लम का सॉल्व नहीं निकला होगा। तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, आपको ये प्रॉब्लम 100% सॉल्व होगी। ये दो कार्ड हैं, इन दोनों कार्ड में डिफरेंस है, एक है मोटा सेल और एक में है पतला सेल। कनेक्शन सेम है, करने का तरीका अलग है। प्रॉब्लम बहुत बड़ी है पर आप लोगों को छोटी लगे, क्योंकि जब वो प्रॉब्लम होती है तो वो बहुत बड़ी लगती है, क्योंकि जब उसका कोई भी सॉल्व नहीं होता है तो वो ऐसा लगता है कि ये बहुत भारी प्रॉब्लम है, पर वो भारी नहीं है, वो बहुत छोटा हो चुका है। तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना भाई तौसीब और मैं ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक। दोस्तों पहले यहाँ पर देखिए, मैं आपको ट्राई करके दिखा देता हूँ कि क्या दिक्कत होगी। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर जो है मैं वोल्टेज को अपने देता हूँ इनपुट में, तो मैंने यहाँ पर जो 100 वोल्टेज दिए हैं, ठीक है, और मुझे अभी आउटपुट नहीं मिला है। अब मैं क्या करूँगा, अपने टाइमर को जो है काट दूंगा। कहाँ से स्विचिंग करेंगे अपने सर्किट से, तो यहाँ पर जो है ना मैं स्विचिंग कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने इसको स्विचिंग किया और मेरा जो है टाइमर कट गया। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो जैसे कि यहाँ पर जो है 100 वोल्टेज, अब मैं 100 वोल्टेज अपने देता हूँ, पूरे 100 वोल्टेज करता हूँ, तो यहाँ पर जो है मुझे 200 वोल्ट का आउटपुट मिल रहा है। अब यहाँ पर जो है पहला स्टेप कट ही गया, पर दूसरे स्टेप में देखा दोस्तों क्या हुआ है, हमारा वोल्टेज कितना डाउन हो गया है, मतलब कि दूसरे स्टेप में हमारा कट लगा तो वो 140 के आसपास आकर गिरा। तो ऐसा क्यों हुआ, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब मैं वोल्टेज को बढ़ा रहा हूँ तो हमारा यानी पहला स्टेप जो है सही लग रहा है, पर दूसरे स्टेप में जो है 150 पे आ रही कहानी। तो इस प्रकार से दोस्तों क्यों गड़बड़ आ रहा है, तो यहाँ पर आप समझिए इस चीज़ को। यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि ये जो हमारी नंबरिंग है, ये नंबरिंग जो है यहाँ पर लिखा है आउट, यहाँ पर OP, इनपुट 1, इनपुट 2, कॉमन और 0 24, यहाँ पर जो इस तरीके से लिखा हुआ है। और यहाँ पर भी आउट और आउटपुट, इनपुट 1, इनपुट 2, कॉमन और 0 24, इस तरीके से दोनों में सेम लिखा हुआ है। पर हम लोग कनेक्शन जो करते हैं इसी मुताबिक ही करते हैं, फिर भी हमें क्यों दिक्कत आती है ये नहीं समझ में आया। तो हम इसको अब सोल्यूशन इसका क्या निकालेंगे, यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है इनपुट 1, तो हमें क्या करना है, सीरीज से कनेक्शन करना है। हम कैसे कनेक्शन करेंगे, जैसे कि जहाँ पर लिखा हुआ है इनपुट 2, हम वहाँ पर लगाएंगे इनपुट 1 यानी कि रिले 1 का लगाएंगे, और जहाँ पर लिखा है इनपुट 1 वहाँ पर हम लगाएंगे रिले 2, और जहाँ पर लिखा है OP वहाँ पर लगाएंगे रिले नंबर 3, और जहाँ पर लिखा है आउट वन पर लगाएंगे रिले नंबर 4, यानी कि इनपुट 2 पे हम लगाएंगे पहला वाला रिला और इनपुट 1 पर लगाएंगे दूसरा वाला रिला और OP पर लगाएंगे तीसरा वाला रिला और आउट पर लगाएंगे चौथा वाला रिला। इस प्रकार से हम कनेक्शन जब करेंगे तो हमारे जो है ना स्टेप बाई स्टेप बिल्कुल सेप सही मिलेंगे हमें। तो हमारा जैसे कि 240 पर जब वोल्टेज कट होंगे तो हमें जो है 220 वोल्ट का आउटपुट मिलेगा, यानी कि 240 या 250 पर जब कट अप लगाएंगे तो 220 पर आकर रुकेगा। तो इस प्रकार से जो है आप इस तरीके से जब कनेक्शन करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये दिक्कत देखा जाए तो बहुत बड़ी है और नहीं देखा जाए तो कुछ नहीं है, क्योंकि दिक्कत क्यों बड़ी है, जब हम स्टेबलाइजर को अपने बनाएंगे तो वहाँ पर इस तरीके से हम कनेक्शन को करेंगे तो हमें दिक्कत देखने को बहुत बड़ी मिलेगी। तो हम इसका सोल्यूशन निकालते निकालते थक जाएंगे और हमें इसका सोल्यूशन नहीं पता चल पाएगा। पर दोस्तों इस तरीके से आपके साथ भी कभी हुआ होगा या नहीं हुआ तो हो भी सकता है। तो इस प्रकार से जब मैंने आपको इस तरीके से बताया है तो इसी तरीके से जब आप कनेक्शन को करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं भी देखने को मिलेगी। तो कनेक्शन को जैसे करेंगे तो कैसे करेंगे, जैसे कि मैंने बताया है कि उसमें जैसे कि नंबर उसमें लिखे हुए हैं हम उस तरह नहीं करेंगे, हम करेंगे अपने तरीके से। तो जैसा कि हमने बताया सर्किट में इनपुट 2, तो यानी कि इनपुट 1 पे हमें इनपुट
पहले वाली रिले का लगाना है इनपुट टू पे, और इनपुट वन पे हमें देना है दूसरे वाली रिले का, और ओपी पे हमें देना है तीसरी वाली रिले का, और आउट पे हम देंगे अपना चौथा वाला रिला, और जहाँ पर कॉमन है लिखा हुआ वहाँ पर हम रिले कॉमन देंगे और 24 वोल्ट की डीसी सप्लाई देंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको किसी ने शायद नहीं बताया होगा, क्योंकि उनके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है, तो होगा तो भी बताएंगे, तो जब हुआ नहीं तो बताएंगे भी नहीं। तो मेरे साथ हुआ है तो मैंने आपको शेयर किया है। तो इस प्रकार से जब आप कनेक्शन को करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी। तो मैंने समझा दिया, आपको कैसा ये वीडियो लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। पर दोस्तों इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि हमें भी पता चले कि हम कुछ नया लेकर आए या नहीं। अगर दोस्तों नया हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनों अपनों का ख्याल रखिए।